नार्को टेस्ट से सुलझेगी श्रद्धा मर्डर की गुत्थी? क्या आरोपी अफताब नार्को टेस्ट के जरिए उगलेगा सारे राज? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तक ऐसे कई सनसनीखेज मर्डर की गुत्थी नार्को टेस्ट के जरिए ही खुल चुकी है, जिससे न सिर्फ पुलिस को उलझे हुए केस के सबूत जुटाने में आसानी हुई है, बल्कि कोर्ट को भी आरोपी को सजा देने के लिए साक्ष्य मिले हैं। दिल्ली में हुआ श्रद्धा मर्डर केस अब तक एक पहेली जैसा बनता जा रहा है। आरोपी अफताब पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा है। अब पुलिस आरोपी अफताब से नार्को टेस्ट के जरिए उगलवाएगी सच, जिसमें हत्या की गुत्थी को सुलझाया जा सकेगा। श्रद्धा जैसा कांड, शादी के 26 दिन बाद पति ने रेता गला बोरे में भरकर फेंक दी लाश। अजमेर जिले में शादी के 26 दिन बाद एक शख्स ने अपनी पत्नी का गला रेत कर हत्या को अंजाम दिया। सेनगंज थाना इलाके में हुए वारदात में पति ने पत्नी की हत्या कर लाश को बोरे में भरकर पुष्कर में किसी सुनसान जगह में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, आगे की कार्रवाई जारी। सूकर जली बैतूल स्टेशन पर खड़ी इंदौर छिंदवाड़ा पैसेंजर ट्रेन, लूप लाइन से ट्रेन को लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया जा रहा था, उसी दौरान अचानक भड़की आग। गनीमत रही कि इस दुर्घटना की वजह से कोई की जनहानि नहीं हुई। रेलवे ट्रैक के नजदीक नहीं पहुंच पाई फायर ब्रिगेड। परसमनिया के सुरदहा घाट में दिखा तेंदुआ, घाट से गुजरने वाले राहगीरों ने कैमरे में कैद की तस्वीरें। विगत दिनों चेहरा परसमनिया मार्ग पर खोह के नजदीक भी देखा गया था तेंदुआ। ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को मारी टक्कर, हेलमेट पहने होने से बची जान। सतना जिले के रामपुर थाना व बेला चौकी क्षेत्र अंतर्गत टोल प्लाजा के समीप सतना की तरफ मोटरसाइकिल से आ रहे पिता पुत्र को ट्रक ने चपेट में ले लिया। स्थानीय राहगीरों की मदद से रामपुर अस्पताल भिजवाया गया। सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा और सीईओ जिला पंचायत डॉक्टर परीक्षित झाड़े पहुंचे रामपुर बघेलान विकास खंड में बकिया बराज। विधायक विक्रम सिंह भी रहे मौजूद। टोन्स परियोजना के बांध के टापू और आसपास देखी पर्यटन विकास की संभावनाएं। सराफा व्यापारी के साथ लूट करने वाले 3 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर किया गया गिरफ्तार। आरोपियों द्वारा लूटी गई सोने चांदी के जेवरात एवं नकदी रकम भी बरामद। सराफा व्यवसायियों ने पुलिस अधीक्षक व सिविल लाइन थाना पुलिस को किया सम्मानित। जिले के कोटर थाना क्षेत्र का है मामला। आवेदिका के गरीब व अनुसूचित जाति के होने के कारण उसके कब्जे की आराजी में कुछ दबंगों द्वारा जबरन कब्जा करने को लेकर आवेदिका व उसके परिवार वालों के साथ गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की दी जा रही है धमकी। जातिगत रूप से अपमानित करने वाले आरोपी गढ़ों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर आवेदिका मीरा सतनामी ने SP ऑफिस में की कम्प्लेन। कब्जा कर रहे हैं जमीन में आपके? तो वो जमीन हमारी जमीन है, 50-60 बोलता हमारी है, तो मैं जबरदस्ती करी हूँ। मैं कहूँ महाराज मेरी जमीन है, 20 साल की मेरी जमीन खरीदी, आप कहाँ जबरदस्ती करी?